गुड मॉर्निंग प्रेयर शुरू करें। सीधा बैठें मगर बिना तनाव के बैठें। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें, अंदर जाती हुई सांस, फिर बाहर जाती हुई सांस, उन्हें जानते रहें। अवेयरनेस होश बनाए रखें। बिना कोई कामना किए सांस को जानते रहें। न ज्यादा सांस चाहिए न कम सांस चाहिए, जितनी आ रही है जितनी जा रही है उतनी चाहिए। पूरे स्वीकार भाव के साथ चलता रहे। सभी आंख बंद करके हम प्रार्थना करते हैं कि क्या संसार में रहते हुए ही हम मोक्ष नहीं पा सकते? क्या दोनों को बैलेंस नहीं किया जा सकता? मैं दोनों को बैलेंस करना चाहता हूँ। दोनों एक दूसरे को सहयोग करें। ये विचार बल देते हैं नई सीन लाने के लिए। यह हमारा कुदरत को दिया गया संकेत है। संकेत कि मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में कर्म और ध्यान दोनों बैलेंस हों। संसार बाहर और भीतर प्रेम आनंद मौन अपने होने का एहसास बैलेंस हों। अड़चने बल देंगी। पहले हमारी प्रार्थना ऊपर ऊपर की होती है। हमारी प्रेयर में पावर आए इसके लिए दिखावटी सत्य में कुछ दिखाई देता है जो हमें थोड़े वक्त के लिए डरा देता है। जैसे जैसे आप खुद को जानते जाओगे आपकी प्रार्थनाएं बदलती जाएंगी। मैं चाहता हूं मैं जो हूं वही बनकर ज्यादा से ज्यादा समय जीऊं। छोटी बातों में अटककर मेरी ऊर्जा खर्च न हो। मेरी ऊर्जा रचनात्मक कार्य में, सेवा में, भक्ति में खर्च हो। जो विश्व में निर्माण हुआ चाहता है, जो ईश्वर की इच्छा है, उस अनुसार मेरे शरीर द्वारा कार्य हो। इसी प्रार्थना को जारी रखें। अपने शब्दों में कहें कि आप भीतर और बाहर के जीवन में समता चाहते हैं, संतुलन चाहते हैं।
यह संतुलन संतुष्टि लाए ताकि आपका समय लोक कल्याण के लिए खर्च हो, आपके शरीर का उपयोग निस्वार्थ सेवा में हो, निस्वार्थ सेवा में आप सभी के लिए निमित्त बनो। हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मेरा अंदर बाहर का जीवन एक बने, ताकि मेरे द्वारा अर्जित बल का समर्पण हो, सभी को इसका लाभ मिले। तुम्हें जो लगे अच्छा वही मेरी इच्छा। सभी शुभ्र प्रकाश में यह संतुलन प्राप्त करें, सभी के जीवन में भाव विचार वाणी लेखन क्रिया में संतुलन पैदा हो, सभी इस संतुलन से स्वास्थ्य प्राप्त करें। असंतुलन से बीमारियां होती हैं, सारे विश्व में संतुलन कायम हो। हे ईश्वर, यह कार्य शुरू हो चुका है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी स्वस्थ हो रहे हैं, संतुष्टि प्राप्त कर रहे हैं। सभी प्रेम और विश्वास के साथ अपना जीवन खुशहाली से जी रहे हैं। ध्यान के अंत पर जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं वे ध्यान जारी रखें, जो आगे के कार्य में जाना चाहते हैं वे ध्यान समाप्त करेंगे।